आतंकियों की तलाश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्ते। एनआई ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। कठुआ के बिलावर उपजिला में बदनोता के बरनूड में जेड़ा नाले के पास सोमवार को हुए आतंकी हमले के बाद में सुरक्षा बल अलर्ट हैं। इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्ते भी लगाए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार शाम एनआईए की एक टीम बदनोता में जेड़ा नाले के पास पहुंच गई, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। वहां जांच शुरू कर दी है। सोमवार शाम से ही सेना और एसओजी ने इलाके में जगह जगह घेराबंदी कर दी थी। बकायदा उधमपुर और बनी के डगर इलाके में भी सुरक्षा बल हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आज भी तड़के फिर से तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। पैरा कमांडो के साथ साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। करीब 11 बजे पठानकोट से आई पैरा कमांडो की टीम ने बनोता के जंगलों को खंगालना शुरू किया। एसओजी और स्थानीय पुलिस भी लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी है। किंडली से लेकर महराल के अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से ही सेना के हेलीकॉप्टर भी लगातार पहाड़ी इलाकों में निगरानी बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी बिलावर पहुंच गए हैं। डीजीपी आरआर सेन ने सुरक्षा बलों के साथ आतंकी हमले के संबंध में समीक्षा भी की और बकायदा ऑपरेशन पर निगरानी रखते हुए उन्होंने जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। आतंकी हमले के संबंध में मल्हार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 61, 113, 147, 149 और यूएपीए 13, 16, 18, 23 के अलावा 727 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7।